नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ग्वालियर में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराने के लिए अब पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और इस अभियान के तहत ग्वालियर के ट्रैफिक और थाना पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग अलग पॉइंट पर तैनात कर दिया गया है। ये सभी अधिकारी और कर्मचारी हर आने जाने वाले वाहन चालक से सख्ती से पूछताछ करते हैं और उनसे ये पूछा जाता है कि वे किस काम से घर से बाहर निकलते हैं। उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर बिना किसी उचित कारण के घर से बाहर निकल रहे हैं और धारा 144 और धारा 188 का उल्लंघन कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की दो दिन की कार्यवाही से अभी तक 917 लोगों के चालान किए जा चुके हैं और करीब 2 लाख की राशि चालान के रूप में वसूली गई है। इतना ही नहीं, एक महिला सहित 2 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि अनावश्यक रूप से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। मर्सी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक जनरल स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया है, जिससे अभी महामारी जो कोरोना वायरस की फैली है उससे कितने मरीज जो है इसके संक्रमित होने के चांसेस हैं उसकी भी जांच करके सर्दी जुकाम खांसी और अवेयरनेस के लिए आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा क्या क्या बचाव किया जा सकता है उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ में हमें जो है सोशल डिस्टेंस बना के चलना है। दूसरी बात जो है हमारे शरीर को हमको गर्म रखना, शरीर को गर्म रखने से शरीर का तापमान अधिक रहेगा तो ये वायरस बहुत नाजुक होता है, ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, दिन में 4-5 बार पानी का प्रयोग करना है, तुलसी का प्रयोग करना है, लहसुन का प्रयोग करना है। दूसरी बात क्या है, अपने शरीर में सर्दी जुकाम खांसी को नहीं होने देना, क्योंकि अगर सर्दी रहेगी तो ये वायरस बहुत जल्दी जो है अटैक करेगा। ये इसमें कोई पैंथोजन वायरस है, ज़्यादा देर तक शरीर में नहीं रह पाता। अगर ये गले में आ जाता है तो कम से कम 5-7 घंटे पड़ा रहता है। अगर उसको गर्म पानी मिल जाए या ये एक तरीके से ये जो है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि गर्म हवा फेंकती है, ये एक तरीके से महिलाओं द्वारा हेयर ड्रायर करी तो गर्म हवा से हमारे शरीर में फेफड़ों को गर्म हवा मिलती है। अब बार बार आदमी गर्म पानी करना कुल्ला करने से अच्छा है कि इसको 5-5 मिनट या 2-2 मिनट अपना कर ले, एक आधा फिट की दूरी पर रख के इसकी भाप ले, जिससे इसके फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है, इसका स्ट्रक्चर जो है RNA का बना होता है। जब तक इसको होस्ट नहीं मिलता, अगर होस्ट मिलेगा तो ये शरीर में ताकतवर हो जाता है। ये कमज़ोर वायरस है, लेकिन इसको अपना शरीर मिलने के बाद जैसे ही इसको होस्ट मिलेगा ये अपने आप को बहुत ताकतवर कर लेता है और अपना डिवीजन शुरू कर देता है, एग्रीवेशन शुरू कर देता है, जिससे शरीर में के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स का इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को बढ़ा देता है और फेफड़ों को एक तरीके की एल्वोलाई को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, जिससे गला चोक होने लगता है, सांस रुकने लग जाती है। ज़रूरी नहीं है सर्दी जुकाम खांसी कोरोना ही हो सकता है एलर्जी का प्रॉब्लम, मौसम के हिसाब से कब की प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें को देखते हुए वर्सी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पहल की कि हम भाई सर्दी जुकाम का की जानकारी के लिए कुछ बताते जाएं और इससे संबंधित और लोगों को हम जानकारी देकर उनको बचाव के लिए रास्ता बताएं। फिलहाल अभी जो है बचाव ही इसका रास्ता है और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अपनाने पर लोगों को लाभ प्राप्त होगा। ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आप सब लोगों के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और हमारा जबलपुर शहर अभी इस महामारी से करीब करीब बहुत अच्छी तरीके से इसमें फाइट किया है। पुलिस वालों का बहुत सहयोग है, रात दिन जग के लोगों को सोशल डिस्टेंस और जो है लॉकडाउन का पूरा इन्होंने बहुत ही अच्छे से मुस्तैदी से काम किया है, हम इनकी सराहना करते हैं। दूसरी बात, हम लोग भी अपना हमारा जहाँ भी कहीं सहयोग लगता है हम लोग खड़े हैं, हम मल्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं। और दूसरी बात और एक विशेष रखनी होगी कि हमें डिस्टेंस बनाना है जिससे कि ये वायरस एक दूसरे से ना फैले। मास्क का प्रयोग करना है, गर्म पानी का प्रयोग करना है, 2-3 बार गर्म पानी पीजिए, तुलसी का ड्रॉप हो तो ठीक है, तुलसी का एक काढ़ा बना लीजिए जिसमें आप लहसुन नीम की पत्ती और जो है प्याज कर ऐसे 5-6 चीज़ों को डालकर सुबह शाम बच्चों को। आपका नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर ऐसे रहमान।